यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। ये देखिए, हॉस्पिटल स्टॉक्स वैसे महंगे वैल्यूएशंस पे चलते हैं, बट मैं कहूंगा कि ये एज कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल स्टॉक्स ये थोड़ा मुझे सस्ता ही लगता है। 42 के पी मल्टीपल पे एंड द फंडामेंटल्स आर गुड। सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो दिसंबर वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आए, और एक हम्बल बिगिनिंग 2008 में चार डॉक्टर्स ने मिलकर स्टार्ट किया था, और आज 16 साल में ही, इनफैक्ट ये लास्ट ईयर 2023 में, इनफैक्ट इनका आईपीओ आया 28 जुलाई 2023 में, और उस टाइम पे ये 300 रुपए की प्राइस बैंड थी। सो ओवरऑल एक तो सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है और वैल्यूएशन सस्ते लगते हैं, इसलिए स्टॉक को मैंने पहले तो चुना है। और ट्रॉमा मतलब आप देखिए, ग्रेटर नोएडा, मतलब हमारे कुणाल जी के क्षेत्र का कंपनी है ये, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, इस तरफ इनके मल्टी केयर हॉस्पिटल्स हैं और करीब चार हॉस्पिटल्स हैं इस एरिया में। और सबसे बढ़िया बात है डेट नहीं है कंपनी में, जो मुझे बहुत बढ़िया लगी ये चीज़, और अच्छी कैपेसिटीज हैं। और प्लस मैं इनका अभी ये देख रहा था कि जो कॉन कॉल नोट्स है, दे वर ऑल्सो वेरी गुड वहाँ पे इनके, इनफैक्ट जो अभी इन्होंने ग्रोथ दी है उन सब के बारे में भी, और आगे का भी जो सबसे बढ़िया बात है प्लान्स है वो भी इन्होंने दिया है। तो उसमें एक तो ये लोग बाहर के मार्केट्स में थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म जो इंडिया में बढ़ रहा है, तो बांग्लादेश, सीआईएस, इराक, अफ्रीका, ये सब। और इबिट्टा इनफैक्ट इनका काफ़ी अच्छा है, मेंटेन्ड है, और वो और भी मेंटेन रखने की ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया थे, और 26-27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 44% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और सबसे बढ़िया बात है 275% की प्रॉफिट की क्या कर रही है पिछले 3 साल में, और 5 साल की भी करें तो 62% के लगभग, और 21 करोड़ का पैट था दिसंबर 2022 में, उसके सामने 29 करोड़ का पैट, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बेसिस पे पैट दिया है, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे पैट दिया है, जो कि 93 करोड़ ऑलमोस्ट 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, डॉक्टर्स तो है ही है और प्रमोटर्स स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं 67% के लगभग। FIIs, DIIs में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ ऐसे नाम्स है जिससे और भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और 540 के टारगेट के लिए।